हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन JNU MSc मैथमेटिक्स 2019 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने इसके पहले वीडियो में जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन देख लिए थे और इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन देख लिए थे, आज अपन लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स विथ नॉर्म के कुछ रिलेशन पे बेस्ड है। और हमने JNU के बारे में ये भी बताया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, मार्किंग कैसी होती है, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। तो उसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो जरूर देखें और कोई डाउट हो तो आप पूछें कि कैसे। तो आइए हम अब लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को करें। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वो पेपर का भी पहला ही क्वेश्चन था कि बी इक्वल्स टू 0 1 1 माइनस 1 1 0 1 1 0, एक सेट दिया गया अपने को बी। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब गिवन बाई टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोमा 2y+z, 3z। यानी कि ये क्या करता है कि कोई टपल है, जो ट्रिपलेट है एक्स वाई जेड को, ये लिखी चला जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2y+z और 3z पे। और अपने को बी गिवन है और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को भी गिवन है। तो अपने को पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया बी इज नॉट ए बेसिस, कि बी इसकी बेसिस नहीं है। बी इज ए बेसिस और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इज दिस। बी इज बेसिस और टी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा, बी बेसिस होगी और टी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे क्या बी बेसिस है कि नहीं, और उसके बाद अपन इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बेसिस चेक करना हो, अगर अपन जानते हैं कि आर क्यूब ओवर आर की डायमेंशन कितनी होती है, 3 होती है, तो हम जानते हैं अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन अगर एन है और अगर कोई सेट है उसमें अगर एन वेक्टर्स हैं, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो इट सफिशियंट टू शो दैट दिस सेट इज बेसिस। तो अगर अपन इतना दिखा दें कि ये 3 सेट अपने को, जो सेट इसमें एलिमेंट 3 है और आर क्यूब ओवर आर के डायमेंशन 3 है, अगर अपन ये दिखा दें कि सेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस बना देगा। और बेसिस से क्या होता है, मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है और मिनिमल स्पानिंग सेट होता है, ये कुछ इसकी बातें होगी। अब अगर अपन दिखाएं कि इसको बस अपने को दिखाना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, या तो इसकी मैट्रिक्स बना लो और उसका डिटर्मिनेंट क्या दिखा दो, नॉन जीरो दिखा दो, वो कर लो। या फिर अपन क्या करते हैं कि इनको कोई सेट ए बी सी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो अपन मानते हैं ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए थ्री एल्फा थ्री इक्वल्स टू 0, और जो कोफिशियंट अपन जो फील्ड से लेते हैं उनकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो अपन बोल देते हैं कि वो कैसी कैसा सेट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ए इंटू 0,11 प्लस बी दिस सी दिस इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 को अपन 0,0,0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाएंगे तो माइनस का बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि बी इक्वल्स टू सी आ गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और बी इक्वल्स टू सी आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट से देखेंगे तो यहाँ से तो ए आएगा और यहाँ से सी, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए प्लस सी भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशन आ जाएगी और 3 ही अननोन है, तो उनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे अपन इनको सोल्व करें तो सॉरी, यहाँ से आएगा बी थर्ड कोऑर्डिनेट से सिर्फ ए और बाकी थर्ड कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो ए इक्वल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 0 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 0 आ गई और बी इक्वल्स टू सी है और ए की वैल्यू 0 है, तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या आ गए अपने, 0 आ गए। इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ए इंटू दिस सेट एलिमेंट, बी इंटू दिस एलिमेंट, सी इंटू दिस एलिमेंट वो लिखो और जो इक्वेशन आती है उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ए बी सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लीनियर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब अपन इसका बेसिक जो बेसिस है उसका अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें। तो सबसे पहले अपन को बेसिस से पहले अपन को पता होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। वो क्या करता है कि टी एक्स वाई जेड को एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2y+z, 3z, अपने को जो बेसिस है उसका रिप्रेजेंटेशन टी, सॉरी जो टी का, इसका रिप्रेजेंटेशन इस बेसिस बी के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अपन क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या टी आर क्यूब से आर क्यूब पे मैप है, तो अपन इस आर क्यूब की बेसिस की इमेज निकाल लेंगे और उसको आगे वाले आर क्यूब के बेसिस के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे तो अपन को दोनों बेसिस सेम दे दी। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक बेसिस तो गिवन होती है, अब बोलता है इस बेसिस का बी डेस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो बी डेस कोई दूसरी मैट्रिक्स अपने को लेनी पड़ती है। यहाँ पे दोनों सेम है तो अपन बेसिस के इमेज निकालेंगे और उसको बेसिस के ही मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं एक एक करके कि कैसे तीनों एलिमेंट को इमेज निकालते हैं। सेम यही प्रोसेस रहता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे अपन को अब बेसिस के मेंबर्स क्या है, 0, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, 0, तो इसकी इमेज निकाले तो क्या करेगा, इस ऑपरेटर के अंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2y+z, 3z, तो ये वैल्यू आ गई 2, 3, 3। इसी प्रकार से इसके निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0, 2, 0, इसके निकालेंगे तो 2, 2, 0। तो ये तो अपने क्या निकाली, बेसिस की इमेज निकाली। अब अपन क्या करेंगे, ये जो मेंबर है
इसकी इमेज ये आई, तो अपन इसको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, इसको इस बेसिस के रूप में लिखेंगे, इसको इस बेसिस के रूप में लिखेंगे, और जो कोफिशिएंट आएंगे वही अपन क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो जैसे अपने पास t01, 1, 1 की इमेज आई, 233, 233। अब अपन इसको बेसिस में मान लेते हैं कि ये a इंटू 0, 1, 1, 1 प्लस b इंटू -1, 1, 0 c इंटू दिस। अब यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू आएगी ना, वो अपने जो मैट्रिक्स आएगी ना, उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 2 -b + c, a प्लस बी प्लस सी टू 3 और a इक्वल्स टू 3। यानी कि जैसे अपने कोई बेसिस होता है उसकी इमेज निकालेंगे और उसको जो बेसिस के एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे बेसिस के मेंबर्स क्या है, दिस दिस दिस, और अपन इसको इसके रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो ए बी सी कोफिशिएंट, ये अपने पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ से इक्वेशन कैसी बन जाएगी, -b + c = 2, a प्लस बी प्लस सी टू 3। कैसे है कि जैसे पहला कोऑर्डिनेट इसका 2 है, तो यहाँ से a इंटू 0 आएगा, यहाँ से -b आएगा और c आएगा, तो -b + c 2 आ गया। यहाँ से 3 लेंगे तो 3 = यहाँ से बनेगा a, यहाँ से बनेगा b, यहाँ से c, तो a + b + c। और थर्ड कोऑर्डिनेट सिर्फ यहाँ से आएगा, यहाँ से और से आएगा नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 3 आ गई, -b + c। तो 3 इक्वेशन होगी, b + c 0 भी है और बी -b + c 2 है, तो c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। तो यानी कि अपनी जो इमेज आई t0, 1 बेसिस के मेंबर्स की इमेज आई 233, इसको अपन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 × 0, 1, 1 -1 × -1, 0 प्लस 1 × 1, 1, 0। और ये अपना, तो इसका मतलब जो ए बी सी की वैल्यू है इसको अपन लिखेंगे 3 - 1, 1 का ट्रांसपोज, यानी कि कॉलम बना देगा मैट्रिक्स का, इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सी होगी, वो इस टी की, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका फर्स्ट कॉलम क्या आ गया अपने पास, 3 - 1, 1 और 1। अब इसको अपने फर्स्ट एलिमेंट के इमेज निकाली तो अपने पास फर्स्ट कॉलम आया। अब अपन तो दूसरा एलिमेंट है बेसिस का, उसकी इमेज निकालेंगे तो सेकंड कॉलम आ जाएगा, थर्ड की निकालेंगे तो थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो उनको और निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है, सब एग्जाम में पूछा जाता है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट अपन करते हैं किसी ऑपरेटर के लिए बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो सर t -1, 1, 0 इसकी इमेज निकालेंगे, तो उसकी इमेज क्या आई, 0, 2, 0 इसको लिख लेंगे अपन। मान लेते हैं कि अल्फा इंटू दिस, बीटा इंटू दिस, गामा इंटू दिस, तो अपन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी और उसका ट्रांसपोज देंगे तो वो क्या बनाएगा, सेकंड कॉलम बनाएगा मैट्रिक्स का। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन वही लिख लेते हैं, -β + γ 0, α + β + γ + 2 = 2, β + γ = 2, अल्फा की वैल्यू 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, अल्फा तो 0 आ गया, बीटा 1 आ गया, गामा भी 1 आ गया। तो ये अपना इस मैट्रिक्स का क्या बना देगा, सेकंड कॉलम बना देगा। इसी प्रकार से तो थर्ड एलिमेंट है उसकी इमेज निकालेंगे, तो t -1, 1, 0 की इमेज निकालेंगे, तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये तो अपना सेकंड कॉलम आ गया, और इसको जैसे t1, 1, 0 की निकालेंगे तो p इंटू, हमने ये मान लिया q इंटू दिस, r इंटू दिस, तो अपन p q r की वैल्यू निकालेंगे, तो वही सेम 3 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे भी। और इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इसकी इमेज कितनी है, 2, 2, 0 = ये वाली इक्वेशन, तो -q + r = 2 और p + q + r = 2, p की वैल्यू 0 आ गई, तो q + r = 2 आ रहा है, यहाँ से -q + r = 2 आ रहा है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2r = 4, तो r की वैल्यू तो 2 आ गई। जैसे r की वैल्यू 2 आ जाएगी, q की वैल्यू 0 आ जाएगी, p की वैल्यू भी 0, तो p की वैल्यू भी 0, q की वैल्यू भी 0, r की वैल्यू 2। तो ये जो p q r यानी कि 0 0 का ट्रांसपोज, ये क्या बनेगा, मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बनाएगा। तो अपने को पास अब बेसिस में 3 मेंबर थे, 3 क्रॉस डायमेंशन 3 थी, तो अपने पास यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, उसके तीनों कॉलम अपन ने फाइंड आउट कर लिए, ए बी सी वाले, अल्फा बीटा गामा वाले और पी क्यू आर। तो इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज अल्फा बीटा गामा ए बी सी पी क्यू आर, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 - 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस ऑप्शन में गिवन है वही अपने क्या बना देगा, आंसर बना देगा। और बी बेसिस तो है, हमने चेक कर लिया कि बेसिस नहीं बोलना गलत है, जबकि बी बेसिस है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 3 - 1, 1। तो अगर आप पहले एलिमेंट की भी इमेज निकाल लेते हैं तो बाकी दो के निकालने की जरूरत नहीं थी, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करते हुए पूछा गया है। उसमें पूछा गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने को गिवन है, 1, 1, 1, 1, सारी एंट्री 1, 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए की पावर के इक्वल्स टू 0 फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ए हैज टू डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, ए हैज रैंक 1, ये 3 S1 S2 S3 तीन स्टेटमेंट दिए गए। नीचे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, कि कौन सा सही ट्रू होगा, S1 S2 S2 और S3 S3। तो अपन एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट बोला कि ए की पावर के इक्वल्स टू 0 फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और अपने को मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू 1, 1, 1 दिस।
अगर ये मैट्रिक्स को अपन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ए इक्वल्स टू एन भी कर सकते हैं, और बी वहाँ पे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। और आइडम्पोटेंट बोलने का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स ए इज आइडम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाए, तो अपन उसको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब अपने पास तो गिवन मैट्रिक्स ए है, इसके रैंक निकालने की कोशिश करें, तो ए कुछ इस प्रकार से गिवन है, इसको अपन इस मैट्रिक्स इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, आर टू की जगह आर टू माइनस आर वन, आर थ्री की जगह आर थ्री माइनस आर वन करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, वन 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 जीरो 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 जीरो, जिसकी दो रो जीरो होगी, तो मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट रो क्या वन, तो इसकी रैंक तो कितनी आ गई, वन आ गई। अब आइगन वैल्यू और देख लेते हैं, अब इसको अपन डायगनल मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं, तो डायगनल एंट्री वन जीरो जीरो, इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, वन जीरो जीरो, तो रैंक तो इसकी वन आ गई, आइगन वैल्यू इसकी वन जीरो जीरो आ गई, तो सिर्फ और सिर्फ दो आइगन वैल्यू ऐसी है तो डिस्टिंक है, यानी कि जीरो और वन दो आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी, डिस्टिंक होगी, टोटल तो तीन है पर जीरो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब रैंक तो वन आएगी और दो आइगन वैल्यू आएंगे डिस्टिंक जीरो और वन, तो इसका मतलब डिस्टिंग आएगी, दो डिस्टिंग आइगन वैल्यू इसके पास। अब फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि ए की पावर के इक्वल्स टू जीरो फॉर सम के ग्रेटर देन जीरो, अगर अपन ए की पावर के करें, यानी कि ए को अगर पहली बात तो ए स्क्वायर देख लेते हैं, अब ये जीरो कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें फर्स्ट रो में वन 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 कोई भी एंट्री है वो नॉन जीरो, अगर कोई जीरो होती तब अपन सोचते कुछ करते इसका, तो अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू अपन इस मैट्रिक्स को इसके इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, तो मैट्रिक्स ए है इसको अपन इसके इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो जैसे अपन ने लिखा कि वन 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 जीरो को स्क्वायर करेंगे तो वापस से ए ही आ गया, यानी कि ए अपनी कैसी है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए की पावर करने पर जीरो नहीं आता, यानी के कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए जीरो आ जाए। अब ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी है ए, इसको अपन देखने के लिए जैसे इसको लिख के देखें कि ए कुछ, तो अगर अपन एन भी करें और एन की वैल्यू अपने क्या है यहाँ पे तीन क्रॉस तीन की मैट्रिक्स है तो तीन होगी, तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसा भी लिख सकते हो थ्री इंटू वन बाई थ्री, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा थ्री बी बन जाएगा, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर तो बी आएगा, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो एन बी का स्क्वायर इंटू एन बी, तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं बी पुट कर देंगे बी स्क्वायर की जगह, तो जैसे बी स्क्वायर की जगह बी पुट कर देंगे तो ये एन स्क्वायर भी नॉन जीरो बन गया, तो ए की पावर के इज नॉन जीरो फॉर एनी वेक्टर ऑफ के, तो ये कभी भी ए की पावर के वो जीरो नहीं होगा भले कि ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो इसका आंसर कौन सा ट्रू हो जाएगा, एस टू और एस थ्री स्टेटमेंट तो कैसे करेक्ट है और एस वन कैसा हो गया रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर फिर आ जाएगा अपना कि एस टू एंड एस थ्री आर ट्रू, तो ओनली एस टू एंड एस थ्री, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बस यहाँ पे अपने को देखना था कि कैसे मैट्रिक्स गिवन है और उसको अपन कैसे ए की पावर के करते हैं और रैंक कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्री क्वेश्चन थोड़े ईजी आए थे, बस रियल के थोड़े हार्ड थे, तो वो आप आसानी से देखें, मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए रियल के सारे क्वेश्चन के। अब आगे बात करते हैं कि मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम टू आर, यानी कि एम टू आर बोलने का मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ टू क्रॉस टू विथ एंट्री फ्रॉम रियल नंबर सच दैट ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए और इक्वल्स टू आई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, तो नेसेसरली ट्रू, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स ढूंढने पड़ेंगे, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मानना है कि जैसे यहाँ पे ए वी नॉट इक्वल्स टू वन आ रहा है यहाँ पे ए वी इक्वल्स टू वन आ रहा है तो कोई एक तो ट्रू हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ए के आंसर तो अपन ऐसे कई कुछ लोग एक पे टिक मार देंगे कुछ बी पे मार देंगे, और ये थर्ड वाला बोलता है कि ए वी नॉट इक्वल्स टू टू, यानी कि नॉर्म ऑफ ए वी नॉट इक्वल्स टू वन और ए वी नॉट इक्वल्स टू वी और ए वी इक्वल्स टू वी फॉर सम वी कैसा है यूनिट वेक्टर इन आर टू में, और ये कंडीशन अपने को गिवन है, तो पूछा निम्न में से कौन सा नेसेसरली ट्रू होगा, तो अब अपन इसकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और हम मानेंगे कि सारे ऑप्शन गलत हैं, फिर एग्जांपल ढूंढेंगे, अगर अपन सही हो जाएंगे कि एग्जांपल ढूंढ पाते हैं तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। एक ऐसी अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ए ट्रांसपोज हो जाता है तो इस प्रकार की मैट्रिक्स अपन को क्या मिल जाती है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और साथ में अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या गिवन है वन है, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलने का मतलब ए ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का वन गिवन है। अब अपन पहला ऑप्शन बोलते हैं कि ए वी इक्वल्स टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, कि ए वी इक्वल्स टू वी होगा फॉर सम यूनिट वेक्टर वी आर स्क्वायर में, तो अब अपन क्या करेंगे कि ए कोई आइडम्पोटेंट सॉरी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो चूज कर लेते हैं और साथ में उसका डिटर्मिनेंट भी कैसा आना चाहिए वन आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, तो जैसे ए की वैल्यू जीरो माइनस का वन वन जीरो ले लेंगे और तो ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा जीरो वन वन जीरो, यानी कि अगर ए की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ए ट्रांसपोज कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए को करेंगे तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यानी कि गिवन कंडीशन को तो सेटिस्फाई करती है। अब अपन कोई वी ढूंढेंगे कि ए वी कुछ तो वी होता या नहीं होता कोई फॉर सम यूनिट वेक्टर, कंडीशन है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब उसका नॉर्म क्या है वन है, तो यूनिट वेक्टर वी ढूंढना है अपने को फॉर सम वी यूनिट वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और ए अपनी कैसी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट वन है, तो अब अपन यहाँ पे
वी जैसे मान लेते कोई वेक्टर है, वी इक्वल्स टू वी वन वी टू, भी यूनिट वेक्टर इन आर स्क्वायर, ये कोई यूनिट वेक्टर है आर स्क्वायर में। अब जब यूनिट वेक्टर है तो नॉर्म ऑफ वी इक्वल्स टू वन आएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू भी वन आएगा। अब जब अपन ए वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए अपना क्या था, 0 -1 1 0 इंटू वी वन वी टू, तो ये वापस से वी वन वी टू ही आ गया, यानी कि वी वन वी टू आ गया। अब दोनों कंपेयर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वी इक्वल्स टू वी माना हमने, इक्वल्स टू वी लिया, वी वैल्यू वी वन वी टू वाली, ए मैट्रिक्स अपने पता ही है, वी वन मल्टीप्लाई करा, तब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वी टू, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वी वन। अब दो कॉलम इक्वल आएंगे, इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल है, यानी कि माइनस वी टू इक्वल्स टू वी वन है और वी वन इक्वल्स टू वी टू, यानी कि वी वन इक्वल्स टू वी टू भी है और वी वन इक्वल्स टू माइनस का वी टू। इसका मतलब क्या, वी वन और वी टू दोनों कैसे होंगे, जीरो होंगे, वरना तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा कि कोई नंबर है वो अपने पॉजिटिव के भी इक्वल है और नेगेटिव के भी इक्वल है, तो हो नहीं सकता। तो वी वन और वी टू क्या बन गए, जीरो बन गए। जैसे वी वन और वी टू जीरो बन गए तो ये वी इक्वल्स टू वी वन वी टू क्या बन गया, जीरो वैक्टर, जो कि यूनिट वैक्टर तो नहीं है। इसका मतलब अपने किस चीज़ का कंट्राडिक्शन आ रहा है, किस कहाँ पे गलती करी थी अपन ने, अपने गलती यहाँ पे करी थी कि ए वी इक्वल्स टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर। तो वी तो अपन को यूनिट वेक्टर लेके चले थे, पर ए वी इक्वल्स टू वी हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ए अपनी कैसी हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, यानी कि ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो। तो आप सोचेंगे कि नोट्स पढ़े थे, ऐसे क्वेश्चन किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे, तो अपन को क्या कि क्वेश्चन करने से ही फायदा होता है। तो यहाँ से तो कुछ ऑप्शन से डिस्कार्ड हुआ कि ए वी नॉट इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, वी आ गया। तो ऐसा सॉरी, ए वी इक्वल्स टू वी बोलना गलत है, तो ये ट्रू नहीं है, ए वी इक्वल्स टू वी ट्रू नहीं है। तो यहाँ से वी वन और वी टू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि ए वी इक्वल्स टू वी, ए वी नॉट इक्वल्स टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर इन आर स्क्वायर। अब इस केस में अपन कोई ए मैट्रिक्स चूज करेंगे और वी कोई यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो वी कैसे अपना यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। अब ए इक्वल्स टू वन जीरो जीरो वन, ए अपने कोई मैट्रिक्स चूज कर ली। अब ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये ए ए ट्रांसपोज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आई आएगी, तो यानी कि जो अपनी कंडीशन है उसको तो ये सेटिस्फाई करती है, और वी अपने को यूनिट वेक्टर ले लिया। अब ए वी को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए इंटू वी और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वापस से वी वन इक्वल्स टू वी टू, वी वन इक्वल्स टू टू, यानी कि वी ए वी इक्वल्स टू वी तो पॉसिबल है। तो यहाँ से तो अपने बोल सकते हैं कि ए वी इक्वल्स टू वी पॉसिबल है फॉर सम यूनिट वेक्टर, और ए अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऊपर वाले ऑप्शन में क्या था, ऊपर वाले में ऐसा बोला था कि ए वी इक्वल्स टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर वी, तो मतलब ऐसा बोला था कि मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर आपने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, और वहाँ पे तो ए वी इक्वल्स टू वी पूछा गया था, यहाँ पे ए वी नॉट इक्वल्स टू वी, तो अपने ऐसा ढूंढ लिया जहाँ पे ए वी इक्वल्स टू वी था, और पहले वाले में ऐसा ढूंढ दिया जहाँ पे ए वी इक्वल्स टू वी नहीं था। तो अब अपन बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ए वी इक्वल्स टू वी तो अपने को ऐसा ए भी मिल गया और यूनिट वेक्टर वी भी मिल गया कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब जो थर्ड ऑप्शन है उसमें से बोला है कि नॉर्म ऑफ ए वी इक्वल्स टू वन फॉर सम यूनिट वेक्टर वी, इसका नॉर्म है वो नॉट इक्वल्स टू वन, सॉरी कि ए वी का नॉर्म है वो नॉट इक्वल्स टू वन फॉर सम यूनिट वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, कोई यूनिट वेक्टर ले लेंगे वी, वी हमने मान लिया जिसका नॉर्म क्या आएगा, वन आएगा, और यूनिट वेक्टर है कहाँ से, आर टू में। अब वही मैट्रिक्स ए रखते हैं 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं। अब अपन ए वी का नॉर्म निकालेंगे, तो ए वी का नॉर्म निकालने के पहले अपन को ए वी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब a इंटू वी करेंगे तो a की वैल्यू तो 1 0 0 1 और v1 v2 इसकी वैल्यू फाइंड। अब a इंटू वी करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, तो v1 v2 और v1 v2 का नॉर्म इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये तो क्या यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ ए वी इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल है, जबकि ऑप्शन तो बोल रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा फॉर सम यूनिट वेक्टर। तो अपने पास यूनिट वेक्टर के लिए तो पॉसिबल है कि ए वी इक्वल्स टू 1 हो जाए, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर लेंगे और ए अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे तो ए वी इक्वल्स टू वी 1 पॉसिबल है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई भी करती है, और वो कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है। तो इस प्रकार से आपको एग्जांपल ढूंढना है, इसका मतलब क्या होगा, इसके तीन ऑप्शन ही गलत हो गए, तीन ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, तो नन ऑफ द अबव। तो आप ऐसे तुक्का तो बिल्कुल ना मारे, सोचें कि यार पहले में तो इक्वल्स टू आ रहा था, दूसरे में नॉट इक्वल्स टू, तो कोई एक तो ट्रू हो ही जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक भी ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं हो सकता है। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या, नन ऑफ द अबव इज आंसर हो गया। तो इस JNU के पेपर में बस यही सबसे बड़ी बात थी कि आपको आंसर पे ध्यान से क्लिक करना था, ऐसे तुक्का नहीं मारना था, क्योंकि इसके कोई भी आंसर ट्रू हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के फिर इजीली आपको करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, और जो भी JNU की रिलेटेड वीडियो है उनकी आपको लिंक मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।